मुझको, रात भी हो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया दिल मेरा, धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। और गाइज एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं अब्दुल्ला काइट सेंटर। लास्ट वीडियोस को प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब आ चुका है पूरा सीजन यहां पर दिल्ली के बीच में, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त को यहां पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। हालांकि मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो डाला था, उसके बीच में मैं मांझे के बारे में नहीं बता पाया था, तो इस वीडियो के बीच में आपको मांझे को भी देखने को मिलेगा भाई कितने प्रकार के यहाँ पर मांझे और कौन सा बेस्ट मांझा है, और साथ के साथ पतंगे की कौन कौन सी यहाँ पर नई वेराइटियाँ आई हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात जानते हैं शमी भाई से। तो शमी भाई बताइए कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर मिलेंगी? हमारे पास में जो मिलेगी वैरायटी पन्नी के अंदर सबसे छोटा साइज होता है हमारे पास में 90 पैसे की पतंग, यानी कि 90 रुपए की 100 पतंग, एक पतंग पड़ के 90 पैसे की मार्केट में मिलती है 2 रुपए की। तो 90 पैसे का ये पीस पड़ेगा गाइज आपको, यानी 90 रुपए के 100 पतंगे पड़ेंगे बच्चों के लिए, बढ़िया पतंग है यहाँ पर। और कलर और डिजाइन आपको हर प्रकार के अवेलेबल होंगे यहाँ पर, ये नहीं भाई यही कलर है, अलग अलग कलर्स में पर आपको ये वाली मिलेगी 130 रुपए की, यानी कि 1 रुपए 30 पैसे की पतंग। देखिए गाइज यहाँ कभी 130 रुपए में, यानी 1 रुपए 30 पैसे की आपकी पतंग पड़ेगी यहाँ पर, बढ़िया है ये सभी छोटे बच्चों के लिए बढ़िया। इससे बड़ी पतंग आती है क्या कहते हैं ढाई वाली पन्नी लोकल में, ये पड़ती है 2 रुपए की, मार्केट में बिकती है 4 रुपए की 3 रुपए की। तो देखिए गाइस ये 200 रुपये में पड़ेगा, थोड़ा बड़ा साइज है यहाँ पर, यानी 2 रुपये का पर पीस पड़ गया आपको, क्योंकि सैकड़े के हिसाब से यहाँ पर पड़ता है ये। इसके बाद में ये आती है मछली टाइप के अंदर, ये मछली टाइप रॉकेट इसे कहते हैं रॉकेट, ये 2 रुपये 80 पैसे की पड़ती है, अगर बच्चा होलसेल रिटेल में कहीं से भी खरीदता है तो 5 रुपये से कम का पीस इसे नहीं मिलता। तो गाइस ये रॉकेट काइट यहाँ पर मछली पतंग भी बोल दो या रॉकेट काइट बोल दो, यहाँ पर 280 रुपये में यहाँ पर ये पड़ेगी, और बार मिलेगी आपको 5 रुपए का पर पीस, और यहाँ पड़ रहा है 280 रुपए में सैकड़ा यहाँ पर। और यही वाली एक आती है कटिंग के अंदर, ये भी 2 रुपए 80 पैसे की एक ही पतंग पड़ती है, और ये भी रिटेल में 5 रुपए की बिकती है। तो गाइस यहाँ पर बस इसमें डिजाइन में चेंज किया है, कटिंग कर दिया है साइड में, और इसका प्राइस भी 280 रुपए 280 रुपए और बार से 5 रुपए की मिलेगी आपको। अभी आती है बच्चों की छोटी वाली कार्टून के अंदर, ये पड़ती है 1 रुपए 80 पैसे की पतंग, यानी कि 180 रुपए की 100 पतंग है। इसके अंदर काफी सारे डिजाइन हमारे को मिलते हैं, इसके अंदर 10 से 15 डिजाइन अवेलेबल है बच्चों के। तो गाइस डिजाइन मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में या बीच में, आपको डिजाइन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग डिजाइन यहाँ पर। और ये देखिए 180 रुपये यानी 1 रुपए 80 पैसे की यहाँ पर ये पतंग पड़ेगी बच्चों के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। उसके बाद में ये आती है ढाई वाली प्रिंट 2 रुपए 60 पैसे की, मार्केट में ये पतंग भी रिटेल के अंदर 5 रुपए का पीस आराम से मिलता है, ये कार्टून स्टोर। देखिएगा यहाँ पर 2 रुपए 60 पैसे की यहाँ पर पड़ेगी, और बाजार में मिलेगा 5 रुपए का, अगर आप पर पीस लेने के लिए जाओगे यहाँ पर, यहाँ से मिलेगा 260 रुपए के बीच में यहाँ पर, देखिए कार्टून के बीच में। इसके बाद में आती है इसी साइज़ के अंदर झालर वाली प्रिंट के अंदर, इसमें इससे क्या कहते हैं जो डिज़ाइन होते हैं, और ये 3 रुपए 60 पैसे की एक पसंद पड़ती है, मार्केट में 6 रुपए का फिर आराम से मिलता है। देखिएगा यहाँ पर झालर लगाती है, और झालर से जो उसकी लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है यहाँ पर। लुक कितने का भैया ये 360 रुपये 360 रुपये का, ठीक है 3 रुपए 60 पीस के मतलब पर पीस 3 रुपए 60 पैसे का पड़ेगा, और 360 रुपये में 100 पीस यहाँ पर पड़ेंगे। और बार ये आपको सबसे कितने रुपये मिलेगा? 6 रुपये के, 6 रुपए 60 रुपये में बार से मिलेगी, और झालर लग के इसका डिजाइन में बहुत बढ़िया। इसके बाद आती है इससे बड़ी एवेंजर, सही है ये 4 रुपए 30 पैसे की एक पतंग पड़ती है, और 8 रुपए 9 रुपए का पीस आराम से मार्केट में बिकता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं अवेंजर की पतंग 430 रुपये में 100 पीस पड़ेंगे, यानी 4 रुपये 30 पैसे का एक पीस आपको पड़ेगा, और बार ये मिलेगा 10 रुपये के राउंड, तो अगर आप रिटेल में लेने जाओगे 1 या 2 रुपये पीस पे। इसके बाद में ये पोनी पतंग आती है 5.5 रुपये की एक, और मार्केट में 12 रुपये 13 रुपये की आराम से बिकती है। गाइज ये पोनी की पतंग है, यहाँ पर बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, और फ्रंट साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया है यहाँ पर। कितने क्या कुछ प्राइस बताया भाई इसका? 5.5 रुपए एक पतंग का, यानी 550 रुपए के बीच में 100 पतंगे मिल जाएंगे, और बार मिलेगी आपको ये 10 रुपए या 12 रुपए का पीस यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम थोड़ी कागज के बीच में, जो कागज के बीच में कौन कौन सी वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल है। ये ST पतंग आती है 2 रुपए 20 पैसे की, अगर बच्चा कहीं से भी इसे खरीदता है तो 4 रुपए से कम का एक पीस नहीं मिलता इसको। तो देखिए गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट है, 220 रुपए में यहाँ पर 100 पतंगे मिल जाएंगे आपको देखने को, और बार से मिलेगा 4 रुपए का या 3 रुपए का एक पीस। इसके बाद में इससे बड़ी साइज के अंदर आती है तिरंगा, इस पर लिखा हुआ आई लव माई इंडिया मेरा भारत मान, ये पड़ती है 2 रुपए 30 पैसे की, ये भी कम से कम 4 से 5 रुपए का पीस आराम से मिलता है तिरंगा की वजह से। आई लव माई इंडिया के यहाँ पर कितनी बड़ी पतंग है, और 230 रुपये के बीच में 100 पतंग आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पर, और बाहर से आप करोगे तब भी वहाँ से बाहर से 4 रुपये या 5 रुपये का पीस मिलेगा, या कि यहाँ से 230 रुपये में 100 पतंगे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर।
इसके बाद ये देखिए ये पड़ती है 2 रुपये 90 पैसे की एक पतंग, 2 रुपये 90 पैसे की। बाजार में बच्चा कहीं से भी ले जाता 4 रुपये से कम का पीस इसको नहीं मिलता। तो देखिए गाइस यहाँ पर डिजाइन में भी देख सकते हो, कलर भी देख सकते हो, थोड़ा डिफरेंट कलर है, थोड़ा हटके कलर है यहाँ पर। और सिक्योरिटी लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं 290 रुपये के बीच में 100 पतंग यहाँ पर मिल रही हैं। और बाहर से लेने जाओगे तो 4 से 5 रुपये का एक पीस पड़ेगा यहाँ से, और मात्र यहाँ से 290 रुपये के बीच में 100 पतंगे मिल रही हैं बहुत ही आसान से, बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। इसके बाद में ये आती है ढाई वाली, क्या कहते हैं रामपुर की, ये पड़ती है 3 रुपये 80 पैसे की पतंग, और रिटेल में 5 रुपये की आराम से जाती है। 10 से 12 डिजाइन मिल जाएंगे इसमें भी। तो इसके बीच में डिजाइन अलग अलग मिल जाएंगे रामपुर के। और यहाँ पर आप मोहर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है रामपुर, 380 रुपये के बीच में 100 पतंगे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और बाहर यही पतंग लेने जाओगे तो 5 से 6 रुपये का पर पीस मिलेगा आपको, और यहाँ पर 380 रुपये के बीच में 100 पतंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिजाइन आपको अलग अलग अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके बाद में ये जयपुरी रॉकेट के अंदर आती है, 3 रुपये 50 पैसे की एक पतंग है। बच्चा कहीं से भी अगर इसको डिटेल में भी ले जाए तो 5 रुपये का पीस आराम से बिकता है। तो ये जयपुरी रॉकेट के नाम से मशहूर है ये पतंग, 350 रुपये के बीच में 100 पीस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और बाहर से अगर परचेज करोगे तो बाहर से ये 5 रुपये या 6 रुपये का पीस पड़ेगा, और यहाँ से मात्र 350 रुपये के बीच में 100 पतंगे देखने को मिल जाएंगे, यानी 3 रुपये 50 पैसे का एक पीस यहाँ पर। इसके बाद में देखिए ये आती है 4 रुपये की एक पतंग, ये भी आराम से 5 रुपये 6 रुपये का पीस रिटेल में आराम से जाता है, और यहाँ से सिर्फ पड़ेगी आपको 4 रुपये की एक, 400 की 100। और डिज़ाइन और कलर तो अलग अलग मिल जाएंगे, कम्बिनेशन ये कलर का ये अलग अलग मिल जाएगा, अगर ये कम्बिनेशन ही पसंद है तो दूसरा मिल जाएगा। तो 4 रुपये का एक पीस पड़ रहा है यहाँ पर इस पतंग का, 400 रुपये के बीच में 100 पतंग देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। बैक साइड में देख सकते हैं। उसके बाद में ये आती है रामपुर की मंजोली, ये पड़ती है 4 रुपये 20 पैसे की एक पतंग, मार्केट में 6 रुपये का पीस आराम से बिकता है। देखिए गाइस मंजोली काइट जो सबसे ज़्यादा काइट लवर इसको यूज़ करते हैं उड़ाने के लिए, तो 4 रुपये 20 पैसे का एक पीस यहाँ पर पड़ेगा, 420 रुपये में 100 पीस यहाँ पर पड़ेंगे। सिक्योरिटी तिल्ले लगे हुए, बढ़िया कमान है यहाँ पर, बढ़िया वर्क किया हुआ। और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कलर के बीच में अवेलेबल ये हो जाएगी यहाँ। इसके बाद में ये आती है बरेली की मंजोली, ये 4 रुपये 60 पैसे की एक पतंग है, यानी कि 460 रुपये की 100। तो यहाँ पर आप बरेली की मंजोली आती है यहाँ पर, यह 460 रुपये में 100 है, यानी 4 रुपये 60 पैसे का एक पीस यहाँ पर पड़ेगा। और जैसे मैंने पिछली जो लास्ट काट थी उसमें भी दिखाया भाई, डिज़ाइन अलग अलग अवेलेबल हो जाएंगे, डिज़ाइन की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्लेन में चाहिए प्लेन में मिल जाएगा, उसमें डबल कलर में चाहिए वो मिल जाएंगे, 4 कलर में चाहिए वो मिल जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे वो चीज़। ये देखिए इसके बाद में ये पतंग पड़ेगी आपको 5 रुपये की एक, 500 रुपये की 100, मार्केट में 8 रुपये का पीस आराम से बिकता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर 500 रुपये यानी 5 रुपये का पर पीस पड़ेगा आपको, और साइज़ भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर साइज़ है। बैक साइड से देखते हैं कलर अलग अलग अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर, मार्केट के बीच में 8 रुपये या 10 रुपये का पर पीस मिलता है, और यहाँ पर मात्र 5 रुपये का पर पीस पड़ेगा आपको। इसके बाद में देखिए ये आती है 5 रुपये 60 पैसे की एक पतंग बरेली की, सीखे हुए कमान ठंडी की। तो यहाँ पर बरेली की है यहाँ पर ये 560 रुपये, 5 रुपये 60 पैसे का यहाँ पर एक पीस देखने को मिलेगा आपको। और बाहर से लोगों तो ये 1000 रुपये या 1200 रुपये समथिंग का मिलेगा यहाँ पर, और बढ़िया बरेली की काइट है। हालांकि यहाँ पर देखिए मोहर भी लगी हुई है, तो आपको पता है जिस पे मोहर लगी होती है तो बढ़िया एक नंबर की पतंगें होती हैं, वो परफेक्ट पतंग जिसको बोलते हैं। इसके बाद में ये आती है संतरी के अंदर, 5.5 रुपये की एक पतंग है ये। सिक्योरिटी तिल्ले में यहाँ पर मिल जाएंगे अलग अलग डिजाइन भी मिल जाएंगे, 550 रुपये में 100 यानी 5 रुपये 50 पैसे किया गया। देखिए डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया और कितना प्यारा डिज़ाइन है यहाँ पर, अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे इसके बीच में आपको, जिसको बोलते हैं बटर पेपर काइट। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ पर, और मात्र 550 रुपये के बीच में यानी 5 रुपये 50 पैसे के एक पीस पड़ रहा है यहाँ पर आपको। अब इससे बड़ी तिरंगे की तरफ देखते हैं, देखो ये तिरंगा आता है 5.5 रुपये के अंदर, 550 की 100। तो भाई देखिए तिरंगा यहाँ पर, ये भी सिक्योरिटी लगाई हुई है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर लगाई हुई है, ये भी 550 यानी 5 रुपये 50 पैसे का एक पीस पड़ रहा है यहाँ पर। बैक साइड भी देख सकते हैं, अब इससे थोड़ा बड़ा तिरंगा, इससे बड़ा साइज आ गया, यह पड़ेगा आपको 6.5 रुपये का एक पीस, और 10 रुपये का रिटेल में आराम से बिकती है। ये पोनी साइज है, यहाँ से 650 रुपये के, 650 रुपये यानी 6 रुपये 50 पैसे का एक पीस पड़ेगा, 650 रुपये में सैकड़े का यहाँ पर पड़ेगा। और कितना बढ़िया है यहाँ पर डिजाइनिंग भी तिरंगे की, और काफ़ी बढ़िया साइज़ है यहाँ पर। अब जो गाइज इससे भी बड़े साइज़ आपने देखे होंगे पतंगों के, लेकिन वो क्या चीज़ है, सिर्फ शौकिया के लिए होते हैं वो पतंगबाज उनको यूज़ नहीं करते हैं उन पतंगों का, वो सिर्फ शौक के लिए होते हैं बड़ी पतंग उड़ाने। और उसके लिए जो चरखड़े का यूज़ होता है वो ज़्यादातर चाइनीज़ डोर का यूज़ होता है, जो हमने करा दी है बैन फिलहाल। अगर दिल्ली की बात करें तो 90% बैन है, हालांकि मिल रही होगी 10% चोरी छिपे से मिल रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो मांझे कौन कौन से अवेलेबल है, उन मांझों की भी हम वीडियो बनाते हैं।
तो गाइज अब हम देखेंगे डोर कौन सी है। तो डोर से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे सद्दी कौन कौन से, जैसे वर्धमान की होगी, अलग अलग यहाँ पर सद्दी अवेलेबल और क्या कुछ प्राइस है उसको जानते हैं, फिर डोर भी जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये 400 ग्राम के अंदर ये विक्टर आता है, ये कलर के अंदर। यहाँ पर विक्टर देख सकते हैं, यहाँ पर कलर में भी देख सकते हैं कितने, 450 रुपए ये 400 ग्राम का पीस होता है। अच्छा, 400 ग्राम एक पीस हमसे लेता है तो 250 रुपए का है, और अगर 4 पीस का पूरा डब्बा लेता है तो 180 रुपए के हिसाब से होलसेल में। ठीक है ठीक है। और ये कितने मीटर है इसके बीच में? ये 400 ग्राम होता है, इसमें मीटर का नहीं होता, इसमें ग्राम का वजन। अच्छा, ग्राम का वजन। तो ये 600 ग्राम डब्बल है तो 180 का पड़ेगा, वैसे एक पीस पड़ रहा है तो 250 रुपए का एक पीस पड़ेगा। उसके बाद में देखिए, ये ओरिजिनल काला वर्धमान काला चांद के नाम से ये 43 रुपए का पीस पड़ता है डिब्बे के अंदर। अगर रिटेल में बच्चा कहीं से भी लेता है तो 60-70 रुपए का पीस है, क्योंकि 71 रुपए इसकी खुद की MRP है। ठीक है, मगर हमारे पास अगर पूरा डब्बा कोई विजिट करेगा तो 430 रुपए का उसको डिब्बे के हिसाब से पड़ेगा, 43 रुपए का एक पीस। देखिए काला चांद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, ये वर्धमान का, तो आपने सुना ये कंपनी का नाम वर्धमान कंपनी का। यहाँ पर एक कलर के अंदर ये सब्जी आती है पैराशूट की, ठीक है, ये पड़ता है 32 रुपए का एक पीस, और 50 रुपए का 60 रुपए का आराम से बिकता है। इसके अंदर काफी सारे कलर होंगे, ये रेड, जैसे ये रेड कलर्स में भी अवेलेबल है यहाँ पर पैराशूट की। यहाँ पर इसके और ये पूरा बॉक्स कितने का पड़ेगा? पूरा बॉक्स 320 रुपए का, यानी कि फिर 32 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा होलसेल में ये। ठीक है जी। उसके बाद में मान लीजिए दिखा दूंगा आपको, तो ये तो थी सद्दी गाइस। अगर आपको सद्दी लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हो। डब्बे का हमने प्राइस बता दिया क्या कुछ है, डब्बे के बीच में प्राइस क्या पड़ेगा, और सिंगल का प्राइस बता दिया भाई, सिंगल में अगर आप लेना चाहो तो सिंगल का प्राइस क्या पड़ेगा। अब देखते हैं जो मांझे कौन कौन से अवेलेबल है, बेस्ट मांझे हम आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर। ये थी मेहंदी हसन की चरखी, सही है, ये पूरा माल होगा 6 तार के अंदर होगा, 6 रील की चरखी होगी, सही है। अगर कोई हमारे से क्या कहते हैं रिटेल में चरखी लेने के लिए आता है तो 750-750 रुपये का पीस ये आपको पड़ेगा। ठीक है, देख गाइस यहाँ पर धार देख सकते हैं इसकी, मैं एक बार खुद दिखाता हूँ। और यहाँ पर इसके बाद में सिकंदर शाह की चरखी आती है, मैदानी मांझे है ना भी ये? जी जी। इसके बाद में सिकंदर शाह की चरखी आती है, ये चरखी आपको पड़ेगी कम से कम 1000 रुपए की पूरी, जो कि टूर्नामेंट वगैरह की जो डोर होती है ये उसमें लड़ाई आती है। ठीक है, तो ये डबल स्पेशल मांझा है, यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए मोस्टली यूज किया जाता है इस मांझे को, क्योंकि ये सब मैदानी मांझे है यहाँ पर, और बढ़िया यहाँ पर तार का यूज हुआ पड़ा, बढ़िया डोर है यहाँ पर। देखिए 1000 रुपये में ये पड़ेगी आपको, कितने रील थी इसमें? 6 रील सर, 6 रील के। ये भी कम से कम, ये भी इसकी भी कीमत 1000 रुपये, ये मैदानी डोर है पूरी। अच्छा, मैदानी डोर जी है, भरपूर धार है इसके बीच में। ये भी 6 रील की चरखी है, यहाँ पर 1000 रुपये की इसकी कीमत है, और ये सिर्फ यूज होती है अगर आप पतंगबाजी के शौकीन हो, अगर आप यहाँ पर मैदान में जाके पेच पुच लड़ाते हो, काइट फाइटिंग करते हो, पैसों की काइट फाइटिंग होती है जैसे आपको पता ही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पर मैदानी मांझा है। इसके बाद कुछ और मांझे हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ। ये चरखी पड़ेगी स्पेशल के अंदर 9 कोड के अंदर, ये सही है, ये 6 रील की होगी पांडे की, ये चरखी चरखी खाली चरखी इसके अंदर 350 रुपये लगी हुई है, स्टील की है चरखी पड़ेगी 1300 रुपये की, 9 तार में पांडा, 9 कोड की पांडा डोर 1300, और स्टील की चरखी है यहाँ पर, तो चरखी का भी दाम बहुत ज़्यादा है, बाकी 9 कोड की पांडा डोर और ओरिजिनल पांडा डोर है। कितना प्राइस है इस पूरी चरखी का? 1300 रुपये, 6 रील की चरखी है गाइस यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 6 रील की चरखी है। इसके बाद में ये 1 रील की चरखी आती है, इसके अंदर ये चरखी पड़ती है 250 रुपये की, ये इसके अंदर इस शेड के अंदर होगी, और NRK की डोर होगी। अच्छा, NRK की, NRK की 250 रुपये की होगी, मगर 1 रील। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है NRK, लेकिन 1 ही रील की चरखी यहाँ पर 250 रुपये की वर्धमान का, तो यहाँ पर 5 mm का कोड का यूज़ किया गया, यानी 5 कोड के डोर यूज किए गए यहाँ पर वर्धमान की। यहाँ पर ये देखो 6 कोड के अंदर ये 3 रील के अंदर आता है गुटका एरिया। अच्छा, गुटका एरिया, ये अगर कोई ये चरखी हमारे से अगर लेगा तो 350 रुपये की पड़ेगी, अगर होलसेल में कोई लेता है तो 280 रुपये के साथ। कितनी रील है इसके अंदर? 3 रील पूरा होगा। अच्छा, 3 रील की है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं भाई गुटका। और गुटका क्यों बोलते हैं, वो हाथ लगाने पे पता लग रहा है भाई, तेज धार है इसकी, पतली सी जरूर है देखने में, लेकिन धार बहुत तेज है इसकी, और सिर्फ 3 रील की यहाँ पर चरखी है ये। देखिए छोटी सी चरखी है, लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया वो है। देखिए इसके बाद में NRK की आती है 3 रील के अंदर, ये चरखी पड़ती है 750 रुपये की। ये जितने भी क्लब के अंदर जो डोर उड़ाई जाती है, मैदान के अंदर जो लड़ाई जाती है, NRK के नाम से जो होती है,
कितने की है ये? 700 रुपए की 6 रील की चरखी। अच्छा 3 रील नहीं, यहाँ पर लिखा है ना 6 रील। नहीं नहीं 3 रील। अच्छा रियलिटी में 3 रील है, हालांकि आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 रील, लेकिन रियलिटी में 3 रील है यहाँ पर। और बढ़िया है एनआरके की यहाँ पर डोर है, जो मैदानी मांझे के लिए बहुत, मतलब मैदानी मांझे इसको बोलते हैं, वो ये डोर है यहाँ पर। जो अगर आप पेज पुतल डालते हैं, तंगबाजी के शौकीन है, तो ये बहुत ही बेस्ट है। एनआरके का ब्रांड सुना ही होगा आपने इसके बारे में। और भी कोई भी है? तो गाइज ये थी हमारे पास यहाँ पर चरखियाँ, तो ये सारी हमने आपको दिखाई हैं वैरायटियां, और उसके बाद पतंगों की वैरायटी हमने दिखाई हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नाम दे दूंगा दुकान का, एड्रेस यहाँ पर, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपने बोलना है भाई हम काइट लवर की तरफ से आए, हमने वीडियो आपके देखी है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू गाइस।